नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अमानतुल्ला खान के परिजनों और रिश्तेदारों के पुलिस द्वारा पिटाई करने का आरोप लगा है। अमानतुल्ला खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आरोप है कि मेरठ के परीक्षित गढ़ क्षेत्र के आगवानपुर गांव में अमानतुल्ला खान के परिजनों और रिश्तेदारों की पुलिस ने पिटाई की है। वहीं यूपी पुलिस ने मारपीट करने के आरोप को सिरे से खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि बिना इजाजत जुलूस निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की विवेचना की जा रही है और मारपीट के आरोप निराधार हैं। दिल्ली के चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। रविवार को अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसका गवाह पूरी दिल्ली बनने जा रही है। काम पर चुनाव जीतने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि वे अपनी टीम में बदलाव नहीं करेंगे और साथ ही किसी बाहरी मेहमान को न्योता भी नहीं देंगे। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर पुराने नक्शे पर ही बनेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए बीते 25 वर्षों से तराशे जा रहे पत्थरों की शिल्पकारी का उपयोग किया जाएगा। साथ ही श्री राम शिलाएं भी मंदिर में इस्तेमाल की जाएंगी। पुराने नक्शे और मॉडल पर ही अयोध्या में रामलला का नया मंदिर बनेगा। अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री रामलला का मंदिर गुजरात के वास्तुशिल्पी परिवार के आर्किटेक्चर विशेषज्ञ चंद्रकांत सोमपुरा के बनाए डिजाइन और मॉडल पर ही बनेगा। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में 1999 से ही तराशी जा रहे शिल्पकला के अद्भुत नमूने और पूरे देश में पूजित होकर यहां पहुंचे श्री राम शिलाओं का भी उपयोग मंदिर में होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक स्लीपर बस बुधवार देर रात ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 31 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यह घटना फिरोजाबाद इटावा के बॉर्डर के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रात 10 बजे के करीब घटी। SSP सचिंद्र पटेल के मुताबिक बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे। हादसा उस वक्त हुआ जब लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चालक ट्रक में पंचर लगा रहा था, तभी पीछे से बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फरवरी का महीना चल रहा है लेकिन बद्रीनाथ में बर्फबारी का सितम नहीं थमा है। बर्फ के कई फीट ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर बन चुके हैं जो खतरे का सबब बन रहे हैं। अप्रैल के आखिर में धाम की यात्रा शुरू होनी है, ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे से पहले उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि इस दौरे को लेकर वे काफी रोमांचित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अपना पहला दौरा करने के ठीक पहले ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुनसिब हुआ तो वह भारत के साथ व्यापार सौदा भी करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। पहली नजर में 5 लोगों की मौत आत्महत्या के रूप में देखी जा रही थी। शव कई दिन पुराने थे लेकिन अब दिल्ली पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या नहीं की बल्कि किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। सभी के गर्दन और शरीर के दूसरे हिस्सों में जख्म के निशान है। दिल्ली पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्याकांड के मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही आरोपी की तलाश भी तेज हो गई है। जम्मू और कश्मीर में ISI हमला करने की साजिश रच रहा है। ISI पुलवामा जैसा हमला करने की फिराक में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सभी आतंकी गुटों के साथ मिलकर नया ग्रुप बनाया है जिसका नेतृत्व जैश ए मोहम्मद कर रहा है। ग्रुप का नाम गजनवी फोर्स दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जैश, लश्कर हिजबुल और अंसार गजवत उल हिंद का ये नया ग्रुप कश्मीर में सुरक्षा बलों पर IED से हमला कर सकता है। वहीं इस खुफिया इनपुट पर बाद में सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ स्टेशन पर ओवरब्रिज के नीचे उतरने वाले रैंप का शेड गिर गया। हादसे में करीब 7 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद रेलवे के अधिकारी पहुंच गए और बचाव कार्य चल रहा है। गुरुवार सुबह को इस घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुई इस घटना के बाद स्टेशन पर अचानक भगदड़ का माहौल बन गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में सियासी मुकाबला होना है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि दिल्ली के चुनाव नतीजों पर जिन लोगों की सबसे गहरी नजर थी उनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम मुख्य रूप से शामिल है। दिल्ली के सियासी दंगल में बीजेपी नेताओं ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद कार्ड के जरिए ध्रुवीकरण का खुला खेल खेला है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या एक ही नाव पर सवारी करेंगे या फिर अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग होगा। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।